प्राणायाम इसलिए नहीं हम लोग कर रहे हैं बेटा कि सिर्फ ऑक्सीजन भरना। प्राणायाम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को बढ़ा दें। मुझे यही कंफ्यूजन होता है गुरु जी, मैं ज्यादा भरता जाता हूँ। क्योंकि गुरु घंटा लोग हमें ये बताते हैं कि जितना पाओ और भर लो, छाती वोटी फोड़ फाड़ के रख दो। तो ये जानवर लोग भी नहीं करते बेटा, ये सिर्फ आदमी ही, पागल आदमी ही करते हैं इसको। ऑक्सीजन को भरना नहीं है, जैसे भोजन आप भरना सिखा रहे हो तो आप तो ऑक्सीजन को भरना सिखा दोगे, पागल हो जाओगे कुछ दिनों में। तो प्राणायाम करने वाले, ध्यान करने वाले इसीलिए तो पगलाते हैं ना, जी बिल्कुल पगलाते इसीलिए क्योंकि करना धरना कुछ है नहीं, अब ब्लाइंड होकर के बस धरना शुरू कर करते दिए। तो रहते प्राणायाम इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपनी ये इंटेलिजेंस बेहतर कर लो, इतनी ये इंटेलिजेंस जग जाए कि उसको ये मालूम चल जाए कि इतनी क्वांटिटी में इसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो ओके कंफर्टेबिलिटी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये कर रहे हो। तो जब वो सिग्नल का आदान प्रदान होगा तो वो ऑटोमेटिकली, चूंकि वो सेटिस्फाइड हो रहा है उस अमाउंट में, हो सकता है तीसरे चौथे ब्रीदिंग में उसको ज्यादा लेना पड़े। दौड़ रहे हो तो ज्यादा लेना पड़े, धीरे धीरे चल रहे हो तो कम लेना पड़ेगा। तो अब क्या है ना बेटा, वो अब नीड के अनुसार चलेगा। अब इसमें इतनी इंटेलिजेंस पैदा कर दिया आपने क्योंकि वो अब वो जब भी नीड देखेगा, नीड के अनुसार वो अपना डिजाइन कर देगा, पैटर्न फॉलो करने लग पैटर्न जाएगा। फॉलो कर लेगा। अब जैसे आप किसी दिन बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम कर लिया आपने, तो आप जी ऑटोमेटिकली रोटी सब्जी बढ़ जाती है कि नहीं, कि केवल एक ही जी रोटी पेट के रहते हैं। अगर एक ही जी रोटी पेट के रहोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा 6 महीने में। तो आपकी नीड घटना बढ़ना ये अकॉर्डिंग टू योर वर्क होता है। अब मान लो किसी दिन आप स्ट्रेस में हो और आप उसमें भी इतना तेज सांस भर रहे हो कि स्ट्रेस फैल गया, तो आपको ह्यूमैनिटेरियन वे अप्रोच लाना। जैसे आप किसी सामने वाले से बात करते हो वैसे आप अपने लंग्स, अपने ऑर्गन से भी तो वैसे बिहेवियर करोगे ना। ये थोड़ी नहीं कि भर करके 20 सेकंड होल्ड कर लिया, पागलपन कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता। तो आपको अमाउंट का, सेटिस्फेक्शन का ये सब चेक करते रहना है। जब आप भरोगे तो आपकी स्पीड, और जब आप भर लोगे तो आपको अमाउंट पे, ये इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आपकी जागृत रहनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। दूसरा, जब आप छोड़ोगे, स्पेशली आपके लिए, जब आप छोड़ोगे तो अब आपको ब्रेन को ये ट्रेन करना है कि बेटा सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ने का मतलब ब्रीद आउट के साथ क्या क्या छोड़ोगे? अपने हाथ को छोड़ोगे, ढीला करोगे। छोड़ने का मतलब ढीला करना है, यहाँ पे पैर को ढीला करोगे, रिलैक्सेशन आंखों को ढीला करोगे, मतलब जी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को छोड़ देना है। पूरा रिलैक्स जी तो जब छोड़ना सिखाओगे तो सांस और अच्छा लगेगा छोड़ना, क्योंकि छोड़ने को एंजॉय नहीं कर रहे हो ना आप तो भरने और होल्ड करने को एंजॉय करना समझ रहे हो। और रात में ये बवालबाजी कर लोगे तो सोना हट जाएगा, फिर तो ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो हम बेसिक फिलॉसफी को समझें। हमारे जो गुरु लोग हैं वो चूंकि खुद प्रैक्टिस तो किए नहीं, और प्रैक्टिस करते भी हैं तो इंटेलिजेंस का यूज थोड़ी ना करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस करते भी हैं तो अपनी इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि वो उनको, उनका टारगेट ऑक्सीजन है, आपका टारगेट ऑक्सीजन नहीं है। आपका टारगेट सेटिस्फेक्शन ऑक्सीजन के थ्रू अपने को सेटिस्फाइड करना, आपका टारगेट आप हैं, आपका टारगेट आप हैं बेटा। अब जैसे आप मिरर देखते हो तो मिरर देखना आपका टारगेट है क्या? मिरर को नहीं देखना आपका टारगेट है? मिरर में आप नहीं अपने को देखना आपका टारगेट है ना? अरे जो मिरर बना रहा है मिस्त्री, उसका टारगेट मिरर बनाना है, लेकिन मिरर देखने वाले का टारगेट मिरर देखना थोड़ी ना है। नहीं खुद को वो तो देखना उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मिरर देख रहा हूँ। आप अपने आप को पूरा, लड़कियों को देखो ना, मेरी बेटी है वो इतना आधे घंटे मशगूल रहती है, छोटी सी रहे वो चेहरे देखती रहती है। अब उसको पता है थोड़ी चलता है कि मिरर में कहाँ धब्बा लगा है कहाँ धब्बा नहीं लगा है, ये भी नहीं आइडिया होता। जी हाँ, अगर मिरर में वो खुद को नहीं प्रॉपर देख पा रही है तो फिर मिरर उसे साफ करना पड़ता है। तो ब्रीदिंग राइट
आपका टारगेट नहीं है। ब्रीदिंग को मैनिपुलेट करके अपने आप को सेटिस्फेक्शन, आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना आपका टारगेट, तो फिर ब्रीदिंग में फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ये बेसिक फिलॉसफी है और इसको समझने के लिए एक बार नहीं सालों लगेगा, राइट? सालों लग जाएगा बेटा। तो अभी ये यंग जनरेशन है, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जैसा कि बहुत डोमिनेंट को आप, मैंने सुना ही है कि फोकस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। जी तो फोकस करने में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो अपने ब्रेन और अपने सेंसेस को रिलैक्स करने में मास्टर हैं। फोकस करने में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो ड्यूरिंग फोकस अपने मसल्स को, अपने सेंसेस को, अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। वो इमीडिएटली स्ट्रेस में ला देते हैं। जब इमीडिएटली स्ट्रेस में लाओगे तो वो फोकस करने नहीं देगा। जैसे सांस अंदर लिया और होल्ड कर लिया 10-20 सेकंड, तब तक तो आपका ब्रेन हिलने लगा, फटने फटाने लगा। अब इसी में थक थक आ गए, छोड़ते समय छोड़ने का कोई फोकस ही नहीं है। उसी तरह जब आप कहीं फोकस करते हो तो फोकस करते करते इतना ज्यादा यहाँ स्ट्रेस आ जाता है कि वो एंजॉय नहीं कर पाते। फोकस हाँ जी करने में एंजॉयमेंट होनी चाहिए और एंजॉयमेंट तब होती है जब ये रिलैक्स रहेगा। जैसे एग्जाम तो मैं पूरी एंजॉय नहीं कर पाता बिल्कुल भी, तो एग्जेल में एंजॉय नहीं कर पाते, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। हम इसीलिए भरना एंजॉय कर रहे हैं ना बेटा। ऐसा नहीं है कि भरना गलत है। भोजन करोगे नहीं या कोई चीज इंटेक करोगे नहीं तो निकालोगे क्या? लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम कर नहीं रहे हैं इंटेक, लेकिन इंटेक हम कर रहे हैं, पर इंटेक को हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इंटेक कर रहे हैं। अगर बहुत कंफर्टेबल इंटेक करें, आयुर्वेदिक सिद्धांत कहता है कि अगर बहुत अच्छी तरह से इंटेक करें तो आपका बाहर निकलने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जैसे अगर आप बहुत शांत पूर्वक और बहुत स्वाद लेकर के खाएं धीरे धीरे आराम से और ओवर ईटिंग ना करें तो आपका पेट साफ हो जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत कहता है हमारा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सामने 25 व्यंजन आ गए, अब हमारे लार टपकने लगा तो हमारी पेशेंस गायब हो गई। अब हमको लगता है इसे पूरी तरह से भरो, खाओ मत, इसे भर लो। और हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं लगता लोगों को कि कल नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसे खा रहे होते हैं कि कल नहीं मिलेगा। उनको ये लगता भी है कि भाई ये व्यंजन तो मिलेगा नहीं। भाई इंटरनली तो पता ही है ना कि शादी वाला रोज रोज खाना नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। दबा के ले लो। अब पता चला हमारी इस दवा के लेने में हमारी इंट्यूटिव जो इंटेलिजेंस है वो खत्म है, उसे क्वांटिटी और क्वालिटी का अंदाजा ही नहीं रह पाता। तो अब वो लेने में सेटिस्फाइड होने के बजाय लेने में इंटेक करने में स्ट्रेस पैदा कर रहा है। असली आप ले रहे हैं किसी चीज को, अब वो तनाव पैदा कर रहा है, पेट फुला रहा है। भाई स्ट्रेस आ रहा है। आप खा रहे हो, आप कह रहे हो कि ब्लोटिंग हो रही है, अब हमें डर लगता है खाने में। तो ये जितने ओवर ईटर हैं उन्हीं को तो डर लगेगा, जो लेस ईटर है उनको क्या डर लगेगा? उनका तो पेट कहाँ से फूल के जाएगा। द सेम थिंग, अगर आप ऑक्सीजन को ऐसे ही भर लोगे तो किस दिनों में लगेगा कि ऑक्सीजन जैसे भरते हैं वैसे ठक 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 करने लगता है। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी हो गई, ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों कर रहे हो? कौन सा महाभारत में लड़ाई लड़ने जा रहे हो? हैबिटेट हैबिट है, हमने अपनी इंट्यूटिव जो सिस्टम है उसको किल करने की हैबिट लग गई, जी ना कि केवल ऑक्सीजनेशन में, सेंसेस में भी, आंखों में भी और सुनने में भी। अब आंखों में क्या आदत लग गई? अब वो जब तक हम देख के नहीं सोते तब तक नींद नहीं आती। तनाव के बाद हमें नींद आती है, लेकिन तनाव के बाद नींद क्या आना उचित है? अरे भाई जब तुम थक जाओगे तो सो जाओगे। पर ये तो वही हालत है कि आप अंदर भर लिए और तनाव आ गया। अब कुछ दिनों में क्या होगा कि जब आप आंखें थकेगी तो नींद भी नहीं आएगी, फिर रात भर सपने चलेंगे। सुबह उठोगे तो जी फ्रेश नहीं उठोगे। तो ऐसे लोग सो तो जाते हैं पर सुबह फ्रेश थोड़ी ना उठते। मुझे मैं गुरु जी कभी फ्रेश नहीं उठ पाता, मतलब एनर्जाइज अपने आप। तो ऐसे ही बवाल करोगे तो कहाँ से फ्रेश हो? जी नेचर सेंसिटिव है तो थोड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे लोग समझने की कला में मास्टर हो सकते हैं कुछ दिनों। सेंसिटिव नेचर है बहुत, ऐसा नेचर नहीं है कि जो इनसेंसिटिविटी वाला। तो लोग कहते हैं कि सेंसिटिव नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे ही नेचर बहुत अपने आप को अपग्रेडेशन करते हैं। जो इनसेंसिटिव है वो अपग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि इनको अंदर से कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिट अवेयर है, उसे आपने सप्रेस करने की कोशिश किया है, फिर भी वो अवेयर अलर्ट है।
वो आगे आना चाहती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं पेट फूला रहता है लेकिन वो योग स्पिरिचुअलिटी या ऑर्गेनिक वे में सोल्यूशन नहीं ढूंढते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, जबकि टाइम दिन भर है, कोई ऐसी दिक्कत है, प्रायोरिटी नहीं, नहीं है। किसी के पास ऐसे टाइम की कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी भी योग करते ही है ना, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने है वो जान रहा है, इतना बड़ा उसका एम्पायर है, लाखों लोग 10-20 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो क्या उसके पास सुसु करने का, पॉटी करने का, खाना करने का टाइम नहीं है क्या? तो ये हमारी मेंटल जो सोच है उसकी कमी। तो बेटर है, आप बहुत बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, अगर मेरे अनुसार चलो तो मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूँ, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये बॉडी की अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगी, क्योंकि स्पिरिट से बॉडी चल रही है ना बेटा।